हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इदरीसी बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। और देखें, आज मैं आपके लिए आया हूं नर्सरी पर। आपको शायद देखकर के अंदाज़ा लगता हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं किस नर्सरी पर आया हुआ हूं। और काफ़ी सारा भर भर के यहाँ पर गुलाब इस टाइम खिला हुआ है इस वाले प्लॉट के अंदर। तो हम आपको पूरा व्यू कराएँगे और नर्सरी के ऑनर से मिलवाएँगे। ये जो नर्सरी है, आपको पहले भी मैं विज़िट करा चुका हूं, इस नर्सरी का नाम है पुष्पांजलि रोज़री, जो कि बरेली के अंदर है। पिछली बार जो था, हमने वीडियो जो की थी, लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो उसके बाद से हमें मौका नहीं मिल पाया था यहां आने का। आज हम आए हैं, रोहित टंडन जी ने हमें फ़ोन किया और हम उनके जो है शुक्रगुजार हैं इस बात के कि उन्होंने हमें याद किया, काफ़ी समय के बाद पर याद किया, सही टाइम पर याद किया। फ्लावर अच्छे खासे खिले हुए हैं, तो जानेंगे जो पिछली बार जो कुछ हमारे रोज़ प्लांट के अंदर कंप्लेंट्स थी, तो उसके बारे में भी हम रोहित टंडन जी से जानेंगे कि क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है या कुछ सुधार किया है, और किस किस तरीके की नस्लें हैं इस बार और किस तरीके की प्लांट की कंडीशन है, वो सारी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, लेकर के चलता हूँ मैं आपको रोहित टंडन जी के पास। तो चलिए मिलते हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हैं जी, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ, आपसे मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई है। और सुनाएं? बस बढ़िया है। चलिए ठीक है। हाँ। ये हैं हमारे रोहित टंडन जी। आप अपना ये अपनी ये नर्सरी किस जगह पर है? ये कांदरपुर गांव लगता है, दूरदर्शन टावर के पीछे। ये टावर है, टावर है ये, मैंने जैसे कि पिछली बार भी दिखाया था, टावर के पीछे है जी, लाल फाटक रोड है जी। जी, ये कांदरपुर गांव में लगता है और जो लाल फाटक के पीछे है। तो इनकी बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको हर बार की तरह मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस बार इन्होंने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया हुआ। पिछली बार कुछ लोगों की कंप्लेंट थी क्योंकि इस बात को लेकर के कि प्लांट उनके पास थोड़े से अनहेल्दी पहुँचे थे, तो उसका क्या कारण रहा था जो अनहेल्दी पहुँचे थे? वो बडिंग ग्राफ्टिंग का कुछ सीन था या फिर बरसात की वजह से थी? देखिए मैं आपको बताऊँ, अब जैसे ये ड्रीम कम ट्रू है, अब इसकी इसका देखिए आप, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ देखिए, ये ग्रोथ बास। और ये प्लांट जो है 5 साल पुराना हो गया है। ये सारे पेड़ जितने भी आप देख रहे हैं मदर प्लांट के, 5 साल पुराने हैं ये। तो अब आप एक वैरायटी ये देख लीजिए। जी जी, बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ। एक वैरायटी ये देख लीजिए, इसका पेड़ देख लीजिए, इसका प्लांट भी काफी हेल्दी है माशाल्लाह। अब ये ड्रीम कम ट्रू है और ये है वाइट सक्सेस। लगे दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पे लगे हुए हैं, एक ही सी फीडिंग है, एक ही सा ट्रीटमेंट है, सब कुछ एक सा है, लेकिन ये वैरायटी डॉर्फ है। अच्छा, ये डॉर्फ। हाँ, ये डॉर्फ वैरायटी, ये इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी इसकी। अच्छा। हाँ, ये 5 साल का पौधा, 5 साल के अंदर पूरा पौधा मैच्योर हो जाता है, जितनी उसको हाइट लेनी है उसकी ले ली उसने। ये गमले में लगाने के लिए सही है। हाँ, अब एक पौधा ये है मार्बल, अब इसकी देखिए आप वेजिटेटिव ग्रोथ, ये यहाँ पे है और ये इतना ऊंचा हो गया। ये काफी ऊंचा हो गया। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैरायटी के ऊपर डिपेंड, ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से पिछली बार जो ग्राफ्टिंग थी वो छोड़ रही थी, ऊपर भी थी कुछ। अब इस नहीं, बार वो बडिंग ऐसा है कि पानी जब ज्यादा बरसता है ना, तो थोड़ी सी बड मिट्टी से ऊपर करके लगाना पड़ती है, नहीं तो वो बड खराब हो जाएगी, प्लांटिंग नहीं तैयार होंगे। जो है आपकी बड अगर थोड़ी सी ऊंची है ना, तो मैंने गमले में लगाते हुए बताया था कि उस पेड़ को आप थोड़ा नीचे तक दबा दीजिए, तो रूट स्टॉक जहाँ तक बड यूनियन है वहाँ तक रूट स्टॉक बन जाता है। अच्छा, मतलब जहाँ से ग्राफ्टिंग की है उससे नीचे तक दबा दें। हाँ, चलिए मैं अभी आपको वहाँ तक दबा देंगे तो बड रूट स्टॉक में पूरा बन जाएगा। मैं अभी इनके प्लांट भी दिखाऊंगा जो अभी इन्होंने कुछ लगा रखे हैं, जिनकी बडिंग चल रही है इनकी। और आइए मैं आपको जो है दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इस समय मतलब पॉलियंथा की एक वैरायटी है जो बंच में खिल रही है, काफी अच्छी है, ये देख सकते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि एक तो प्योर व्हाइट कलर है इसका, इसकी पेटल्स कितनी अच्छी है, फूल खिलने का तरीका कितना बढ़िया है, खुशबू भी है थोड़ी सी, थोड़ी बहुत तो होती है, बढ़िया थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए काफी हेल्दी है, जितना भी मतलब बंच आए सब में 5-5, 6-6 फूल है। अच्छा बात। हाँ, अब ये कंडीशन है, इसकी पेटल देखिए, इसका शेप खिलने का तरीका देखिए, बहुत बढ़िया वैरायटी की जो क्वालिटी है वो ये है कि इसका खिलने का शेप तरीका देखिए आप। यस, बिल्कुल, कितना बढ़िया तरीके से खिल रहा है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये खिलने का जो तरीका है ये है क्वालिटी इसकी, डिजीज फ्री भी। हाँ, डिजीज फ्री है, बिल्कुल डिजीज फ्री है, नहीं ना कोई डिजीज नहीं, और काफी ग्रीन है। हाँ, कोई डिजीज नहीं। यहाँ पे देखें बंच काफी सारे आ रहे हैं यहाँ पर। इसका प्लांट्स का नाम क्या बताया आपने? इसका नाम देखिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, नाम नहीं याद है मुझे, नाम वो ब्लेड लगी होगी, जिसका नाम नहीं है वो बता पाएंगे। हाँ, जिसका पता है वो तो बता ही देंगे। ये आप जानते हैं इनसे और कौन कौन सी? अब एक मोव कलर में ये वैरायटी है। अच्छा, मोव कलर है इसका। हाँ, ट्वाइस इन्हें ब्लू मून है ये। हाँ, ब्लू मून बोलते हैं ट्वाइस इन्हें ब्लू मून। अच्छा, ब्लू मून भी बोलते हैं। और इसी तरीके की एक ब्लू गर्ल भी आती है शायद। हाँ, बहुत सी वैरायटी है। ये क्या है? शैली खान है ये। शैली खान। हाँ, शैली खान बंच में खिलता है ये। हाँ, ये रेड इंस्टीट्यूशन है।
माशाल्लाह रेड इंस्टीट्यूशन काफी हाँ। अच्छा इसका जो है हाँ, ये काफी अच्छी वैरायटी है, खिल भी अच्छे सर हाँ जी। इसको आप पहले भी दिखा चुके हैं हाँ, मैं दिखा पुराने वीडियो में भी है। ये जो है काफी अब ये देखिए एक वैरायटी ये है, ये तो ये इस तरीके से खिलती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इस तरीके से खिलती है ये, इसकी तो काफी अच्छी है, फूल भी अच्छा है। ये इसका क्या नाम है, इसका नाम इसका है सेवंथ हेवन। अच्छा सेवंथ हेवन ये हाँ, है ये लगा हुआ हाँ, हाँ। प्लेट लगी हुई है बकायदा सेवंथ हेवन यानी कि सातवां स्वर्ग इस तरीके से कुछ नाम है। और आप देख सकते हैं यहाँ आए एक बार विजिट करें, काफी अच्छा मतलब खूबसूरत प्लाट स्टैंड। ये देखिए वही वैरायटी है जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था वाइट सक्सेस हाँ हाँ, इस तरीके से बंच में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया बहुत। तो अब इसके जितने भी पेड़ होंगे ये सब इसी हाइट के होंगे, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा ये। अच्छा अच्छा हाँ। ये बताएं अपने पास इस टाइम पर मौजूदा हालत में अभी अपने पास कितनी वैरायटी अवेलेबल है। वैरायटी इस साल तो करीब 250 है, लेकिन हम 100 वैरायटी इस साल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सारी वैरायटी एक साथ तैयार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा नहीं हो पाती है, हम लोग नहीं बडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रूनिंग एक टाइम पे होती है, बट भी एक टाइम पे तैयार होती है। अब कितने हम बट करें उसका मतलब, जैसे 8-10 हज़ार पौधे तैयार कर रहे हैं हाँ। तो 8-10 हज़ार में हमको सारी वैरायटी नहीं कवर कर मिलती है, नहीं कर पाएंगे हाँ। ये बात तो ठीक है। अच्छा कुछ वैरायटी नखरे भी दिखाती है, कोई वैरायटी किसी साल नखरे दिखाती है, कोई वैरायटी किसी साल नखरे दिखाती है, ये भी प्रॉब्लम आती है। हर वैरायटी हर साल नहीं तैयार हो पाती है, ये तो है खैर, बट भी नहीं मिल पाती है उसकी, ये तो है। क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है ना कि कुछ वैरायटियाँ परेशान करती हैं। चलिए और आगे दिखाएं आप कौन से आपके पास खिली रहा है, सारी वैरायटी अच्छी वैरायटी बताएं हाँ। कोई बेहतरीन सी और हाँ। क्या ये मुझे लगता है ये फ्लोरीवंडा है क्या? हाँ ये फ्लोरीवंडा है, ये देखें फ्लोरीवंडा देखें आप किस तरीके से, ये फ्लोरीवंडा है बंच। ये कौन सा है, इसका नाम, नाम इसका अभी बताना मुश्किल है, नाम याद नहीं है इसका, नाम नहीं याद है। कलियाँ देखें कितनी ढेर सारी भरी हुई हैं, काफ़ी सारी कलियाँ भरी हुई हैं इसके अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस समय प्रॉब्लम क्या है ना, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर, तो इसकी वजह से फूल जो है झुलस रहे हैं। अब तो झुलसेगा हाँ, झुलस रहे हैं। चलिए तो इस बार डिलीवरी का क्या सीन रहेगा अपना जो है? नहीं अब ऑर्डर ऑर्डर हम लोग 15 अप्रैल से कैटलॉग बना के ऑर्डर बुकिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा हाँ, ऑर्डर बुकिंग करना शुरू कर देंगे और उसके बाद में फिर वही है 15 अक्टूबर के बाद में हम लोग सप्लाई शुरू करेंगे। अच्छा वही टाइम होता है इसको भेजने का। प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, मतलब आप कैटलॉग पीडीएफ में देंगे या फिर कैसे? कैटलॉग के लिए हमारे नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा 15 अप्रैल के बाद में या 15 अप्रैल तक आप मैसेज करिए, तो उसी में फिर हम लोग उसको देख के उसका जवाब देंगे। पहले आपको कैटलॉग भेजेंगे, फिर आप जब वैरायटी सिलेक्ट करके भेजेंगे, कैटलॉग में हमारे में उसका कलर भी होगा, मतलब फूल का फोटो होगा, उसका नाम भी होगा, उसमें उसका रेट भी होगा। तो जब आप हमको लिस्ट बना के भेजेंगे अपनी व्हाट्सएप करेंगे, तो फिर हम उसका जवाब देंगे आपको, फिर आधा पेमेंट जमा कर लेंगे, आधा पेमेंट फिर कोरियर और आधा पेमेंट बाद में लेंगे जब हम सप्लाई करेंगे। कोई अगर व्यक्ति चाहता है कि फुल पेमेंट कर दे या फिर? फुल पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल पेमेंट हम लोग हमारा कोई वो नहीं है कि आप फुल पेमेंट करो या आधा करो, हम लोग आधा ही कहते हैं, आप फुल करना चाहो तो फुल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सीओडी है अपने पास अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सेल बंद है। अच्छा मतलब अभी पुराना स्टॉक खत्म हो गया, सेल बंद है, अब सेल 15 अक्टूबर को ही शुरू होगी। नहीं, सेल 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगी, जैसे कैश ऑन डिलीवरी जैसे आप? नहीं वो तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि जब से आप प्रचार कर रहे हैं, जब से और लोग भी प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिमांड तो हो रही है 1 लाख पेड़ों की और हम तैयार कर पा रहे हैं 10 हज़ार, हमारी लिमिटेशन है। ये तो है, तो अब मिल उसी को पा रहे हैं, पिछले सीजन में भी उन्हीं लोगों को पौधे मिल पाए थे जिन्होंने बुक करा दिया था। रोज लवर भी काफी भर भर के बहुत हो गए हैं, बहुत डिमांड आ रही है हमारी वैरायटियों की, अब हम दे उन्हीं को पा रहे हैं जिनकी बुकिंग हो रही आ रही है, बिना बुकिंग के हमारे यहाँ से मिलना असंभव है, अब नहीं मिल पाएंगे। चलिए हाँ, जो बुक करा देंगे उनको तो मिल जाएंगे, जब हम बुक कर लेंगे तब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जिनके पिछली बार जो प्लांट्स अनहेल्दी पहुँचे थे वो बरसात से पहुँचे थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार और टंडन जी को मौका दिया जाए और इंशाल्लाह ताला आपकी बार। लेकिन मैं बताऊँ आपको, पिछली बार हमने 2000 कस्टमर को प्लांट सप्लाई करें। अच्छा 2000 कस्टमर को, अगर उसमें से 20 या 50, मैं कहता हूँ 100 भी मान लेते हैं, अगर 100 लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको अनहेल्दी मिले हैं, तो 990 लोग ऐसे भी हैं, 900 लोग हाँ, कि जो ये कह रहे हैं कि साहब हमको बहुत हेल्दी मिले हैं और इतने हेल्दी पौधे मिल नहीं पाए। ये भी बात आप, राहुल एंड रोज भी हैं, राहुल एंड रोज हैं, और उनके घर के पास ही में 200 मीटर पे एक कस्टमर है जिनको मैंने पौधे दिए हैं, और जब राहुल एंड रोज वहाँ पे देखने गए तो वो ये पूछ रहे थे इतने हेल्दी पौधे आए कहाँ से आपके पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उन्होंने 1000-1000 रुपए के भी 3 साल पुराने पौधे लिए हैं। अच्छा आपने जो, हाँ, जो हमने पुराने अच्छा, पौधे अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे तो ले, हाँ ये भी हमने ये भी बेचे हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के ये भी बेचे, और जो 1000 रुपए का 3 साल पुराना पौधा बेचते हैं, जब हमने उनको वो पौधे दिए तो वो कह रहे थे ये पौधे इतने हेल्दी आए कहाँ से,
बहुत बढ़िया, ये तो बात है। खैर कुछ हाँ। नस्ल की वैरायटी की बात होती नहीं, देखिए सबको संतोष करना तो असंभव है, असंभव है ये बात तो। अब आपने वैरायटी सिलेक्ट कर पेड़ लिए हैं, 5 वैरायटी सिलेक्ट करी है बिल्कुल रेयर वाली, जैसे उसमें ग्रीन वैली है, ब्लैक लेडी है, व्हाइट सक्सेस है, तो अब उसके पौधे मेरे पास हेल्दी नहीं मिलेंगे आपको, ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें। अगर आप ये सिलेक्टेड वैरायटी ले रहे हैं, अगर आपको हेल्दी पौधे चाहिए तो आप मेरे पर छोड़ दीजिए, ये बात है सही है। अगर जिन लोगों ने हेल्दी पौधे लिए हैं उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आपके पास जो हेल्दी वैरायटी है वो आप मुझे दीजिए। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पीछे एक्सीलेंस का पौधा है, चलिए ये एक्सीलेंस का पौधा है, आप देखिए इसकी हाइट देखिए, सबसे ऊंचा यही है मुझे लगता है, लंबी चौड़ी वैरायटी है ये। अब अगर आप ये मेरे ऊपर छोड़ देंगे या अगर आप इसको मांगेंगे तो मैं आपको हेल्दी ही दूंगा, ये बात। इसके पौधे तो छोटे हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर ये ब्लैक लेडी के कहेंगे, अभी आपको मैं ब्लैक लेडी दिखाऊंगा, मदर प्लांट जो 5 साल पुराने हैं, जब आप खुद देखेंगे वो 1.5 फीट के हैं, तो अब उनको मैं कहाँ से बड़ा कर दूँ। अब ये तो वैरायटी का करैक्टर है ना, ये बात दुरुस्त फरमाई आपने, ये बात। अब इसको कस्टमर को समझना पड़ेगा, इसको कस्टमर को समझना पड़ेगा, और ये धैर्य वाली चीज है, ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है। आपको मैंने पेड़ दे दिया, आप उसको डेवलप तो करिए, ये बात सही है। हाँ, आप उसको डेवलप करिए, ये बात के जो है इसमें जो है सारी मैटर जो करता है वो वैरायटी पे मैटर करता है। ये वाला कौन सा प्लांट है, काफी सारी बंच लगी हुई है। हाँ, पिंक कलर में बहुत अच्छी वैरायटी है ये। हाँ, काफी अच्छे बंच से खिला, लेकिन इसकी बड नहीं मिल पा रही है, ये तयार नहीं हो पा रहा है, ये तैयार अभी हो भी नहीं, नहीं मिल पाएगा। हाँ, बड नहीं मिल पाएगी। इसका नाम क्या, वैसे नाम तो मुझे देखना पड़ेगा, ग्लिएटर की तरह है, जैसे ग्लिएटर एक वैरायटी होती है काफी बड़े फूल की होती है, उसी की तरह है, काफी अच्छा फूल है इसका भी, और बिल्कुल एकदम उसी की HT वैरायटी है ये। और हाँ, और कुछ अच्छा सा इस प्लांट के अंदर अपना प्लांट जो कि प्लांट के अंदर देखिए, अब ये तो जिसे लोग ऑर्डर करना चाहे, जिसे जो है लोग ऑर्डर करें वो वाले आप। अब एक आप ऐसी व्यू दिखा दीजिए, जैसे अब ये बीच में एक फ्लोरिमंडा आ गया, ये ग्रीन वैली आ गई, वो पीछे सहजदारा खिल रहा है, तो इस तरीके से दिखा दीजिए। अब तो बड़ी वाली जो है ये कौन सा सहजदारा है, ये सहजदारा है, इसमें जो स्ट्रैप्ड पड़ी हुई है पत्ती। हाँ, चित्ती वाली है। अच्छा, ये सहजदारा है, और देख सकते हैं सहजदारा को काफी अच्छा। अब जो देखिए मेरे पास में जो वैरायटियां हैं, जैसे मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास जो वैरायटी है, अब आप उसका बंच देखिए, ये वैरायटी है, अब इसका बंच है, देखिए एक ही पेड़ है, ये फ्लोरिमंडा टाइप का। हाँ, फ्लोरिमंडा है, फ्लोरिमंडा है, अब आप देखिए इसको काफी। अब ये वैरायटी मैं इस तरीके की वैरायटी तैयार करता हूँ, ये वैरायटी सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये भी है कि पिछली बार कुछ आइडिया भी नहीं हो पाया था, इस वजह से कि अब इस बार जो है इंशाल्लाह ताला आपको जो है अच्छे से प्लांट मिलेंगे। और पहली बार का वाकया था इनके साथ कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन जो है सेलिंग की थी, इस बार अब जो है तजुर्बा धीरे धीरे ही आता है। देखिए पहले जो पैकिंग थी वो कपड़े के थैले में भेज रहा था, फिर मैंने एक दूसरे पैकिंग शुरू करी, और आखिर में जो पैकिंग हुई है वो बहुत अच्छी पैकिंग हुई है, उसमें पौधे डैमेज ही नहीं हुए। तो वो ऐसा है ना, अब नए काम में थोड़ा सा, नए काम में, अब ऑनलाइन का काम नया है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब काम बिल्कुल सही लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माशाल्लाह, बढ़िया। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको जो इनके कुछ प्लांट तैयार हैं, मतलब अभी सेलिंग के लिए नहीं तैयार है, पर इन्होंने जो अभी बडिंग की है, और कुछ हेल्दी प्लांट मैं आपको कोशिश करूँगा अभी दिखाने की, तो वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से। ये दिसंबर जनवरी में हमने जो बडिंग कर दी थी, हाँ, दिसंबर जनवरी की जो बडिंग करी हुई है वो है ये पौधे तैयार करे हुए। हाँ, ये दिसंबर जनवरी की है, और ये रूट स्टॉक इसका पिछला है, पुराना एक साल। दिखाऊं यहाँ पर, अब की बार इन्होंने जो है ये बात काम लिया है ध्यान से, यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग पहले ये यहाँ पर हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ दिखाऊं मैं आपको टॉप लेवल पर, अब की में इन्होंने जो है नीचे से की है, और प्लांट भी अच्छी हेल्दी कंडीशन में जा रहा है, और इस तरीके से आपको सारे प्लांट मिलेंगे। और आपको दिखाऊं प्लांट में काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं इनके, इस बार कितनी अपनों ने जो है रूट स्टॉक तैयार की, वो 8-10 हज़ार पौधे तैयार हो रहे हैं, 8-10 हज़ार। इसमें इसका मतलब इस बार जो है हमारा कोई भी व्यूवर्स या फिर जो है जो रोज लवर है के महरूम नहीं रहने वाले हैं जो है टंडन जी की नर्सरी। नहीं, सबकी डिमांड तो पूरी करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पुराने कस्टमर जो हैं वो अभी करीब समझ अंदाज से ये है अंदाज, अच्छा, करीब 1000 कस्टमर ऐसे हैं जो अभी तुरंत अप्रैल में ही, अच्छा, मतलब बुक करा देंगे। बताएं वो बात आपने सही, हाँ, कही थी कि वैरायटी के ऊपर जो है प्लांट की जो है हेल्थ डिपेंड करती है। हाँ, हाँ, तो जैसा कि ये वाली देखें आप, ये भी मेरे ख्याल से इसी टाइम का ही लगा हुआ। हाँ, एक ही टाइम का लगा हुआ है। ये देखें ये, हाँ, कितनी इसकी हाइट है, हाँ, और बाकी और इसके बराबर से ही देखें ये कितना छोटा सा प्लांट, हाँ, देखने ये वाला। अब इसमें देखने की बात है, ये वाला देखें, अब ये देखें ये भी छोटी हाइट का, वो भी छोटी हाइट के हैं जो अभी टंडन साहब, वो छोटी बड़ी हाइट का तो रहता है, डिफरेंस तो रहता है। ये भी हेल्दी प्लांट है, ये सारी कुछ वैरायटी की बात है, ये वाला भी काफ़ी हेल्दी प्लांट है, बाकी इसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी कमज़ोर प्लांट है, बाकी रूट स्टॉक उन्होंने उधर भी लगा रखा है, और वो अगले साल बडिंग करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने तैयार किया है रूट स्टॉक। और ये वाला कौन सा अपना, ये पहले भी आपने दिखाया था, क्या नाम है इसका, प्लेट लगी है, प्लेट लगी हुई है, ये है वाई वेट। हाँ,
वाई वेट है कुछ करके ऐसे करके, और इसका देखें इसका ये पुराना हो चुका है तो ये ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, पर ये मेरे ख्याल से फ्लोरिबंडा की वैरायटी है शायद। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा खिल रहा है, ये वाला फुल एच हाँ ये बंच के साथ, हाँ ये भी अच्छा खिल रहा है, ये लिली द पिंक है, एचटी वैरायटी है पिंक का। चलिए काफी अच्छा प्लांट है। ये वही टिडली पिंक है जो आपने पहले भी इसका फोटो बनाया था। ये तो काफी खूबसूरत, ये अभी भी वैसे खिल गया ये, फिर से पिछली बार भी ऐसे ही खिला हुआ था जब हम आए थे इनके पास, और अभी भी वैसे ही खिला हुआ है और काफी अच्छा फूल लगा हुआ है इस पर। अब ये पॉलीएंथा की एक वैरायटी ये है, देखिए ये भी काफी बंच में खिलती है। कितनी बर्ड्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर भी काफी ढेर सारी बर्ड्स हैं, और कलर बहुत अच्छा है इसका, खुशबू हल्की सी है, खुशबू हल्की सी है और कलर भी काफी बढ़िया है। पीछे से थोड़ा सा वाइट पिंक सा है और अंदर जो है डार्क पिंक है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओल्ड होने के बाद इसका जो है पर्पल। हाँ गर्मी की वजह से, अब 40 डिग्री टेम्परेचर है ना, उसकी वजह से ये सब जल्दी खराब हो रहा है। ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, हाँ काफी अच्छी वैरायटी, साइज भी अच्छा है। नाम नहीं बहुत सौ का पता, इसके नाम नहीं, इसकी प्लेट भी नहीं लगी हुई है मेरे ख्याल से, पर मैं आपको दिखाऊँ इस प्लांट की हेल्थ, देख सकते हैं आप अंदर से नीचे से देखें, और इस वाले की भी प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छी है। मैं नीचे से इनकी नर्सरी का छोटा सा व्यू आपको करा देता हूँ। काफ़ी मेच्योर प्लांट हैं और ये सारे मदर प्लांट हैं, और इस बार आपको मिलने वाले हैं यही मदर प्लांट के बेबी प्लांट, दिखाएं और कोई सी। अब एक वाइट में देखिए ये वैरायटी खिल रही है, हाँ। कितनी बर्ड्स हैं उसके अंदर? इसके अंदर काफ़ी ढेर सारी बर्ड्स लगी हुई हैं। ये किस रेंज की, मतलब अगर कोई खरीदना चाहे तो इस वाले को? नहीं वो तो दिसंबर जनवरी में ही मिल सकते हैं, अभी ये पौधे तो दिसंबर जनवरी में ही मिल सकते हैं। इस टाइम पर जो है वो नहीं है, ना ना अभी तो सेल ही बंद है, सेल बंद अब है। तो प्लांट्स ही नहीं है ना, अभी तो नए प्लांट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। चलो चलो बढ़िया बात है। ये भी ये वाला ये है, काफ़ी अच्छा अच्छा फूल है, ये देख सकते हैं आप। इसमें खुशबू होती है क्या? हल्की से रहती है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं रहती। चलिए ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश है दिखाने की मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ वो प्लांट जो मैंने आपसे भी कहा कि जो आपको मिलेंगे इस बार रेडी प्लांट, तो चलिए चलते हैं आगे। और टंडन जी का प्लाट काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है, भरा हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा व्यू ये हमारा, और सूरज डूब रहा है इसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा व्यू में दिक्कत आती होगी, पर कोई नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छे से दिखाने की। ये हमारी सारे हाँ सब प्लांट रेडी हो रहे हैं इस बार जो अक्टूबर नवंबर में जो सेल होंगे। ये वाले ये जब बुकिंग हम कर रहे हैं ये नहीं प्लांट्सों की बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा अब प्लांट के कंडीशन देखने आप बराए मेहरबानी, क्योंकि इस बार इन्होंने जो है तवज्जो दी है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नीचे से ये देखिए ग्राफ्टिंग जो की है अब इन्होंने नीचे से की है। पहले उनकी जो थोड़ी सी ये थी कि बरसात की वजह से उन्होंने जो है ग्राफ्टिंग थोड़ी ऊपर करके की थी, तो जिस वजह से जो है हमारे प्लांट इनके कुछ डैमेज हो गए थे, दिक्कतें आ। ये तो अभी देखिए अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तो अभी ये पोजीशन है इसकी, और जब हम अक्टूबर में देंगे जब तक तो ये बहुत अच्छी कंडीशन आ जाएगी, अक्टूबर में काफ़ी अच्छी कंडीशन आ जाएगी। और आप ये देख लें, ये शिकायत ना करें कि प्लांट ये कहाँ से देंगे, बना के थोड़ी देते हैं, यहीं से जो प्लांट में मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसी आपको कंडीशन। नहीं वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी वैरायटी देखिए, वैरायटी के ऊपर ही है, ये वाले वैरायटी अच्छी है यहाँ पर लगा हुई, और देखें काफ़ी हेल्दी प्लांट है, मैच्योर प्लांट है इनके, देखें यहाँ पर। और ये डबल ग्राफ्टिंग की है क्या? हाँ, आपने? कुछ पेड़ों में डबल बड भी है। अच्छा इस वाले कॉम्बिनेशन में डबल है? हाँ इसमें कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। हाँ इसमें भी डबल ग्राफ्टिंग की हुई है इन्होंने, और आपको डबल ग्राफ्टिंग कॉम्बिनेशन बना रखा है। और यहाँ पर काफी सारे अच्छा, इस बार अपनी जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली है वो क्या? 150-250 कुछ वैरायटी 250 की है, बाकी वैरायटी 150 की, कुछ वैरायटी 250 रुपए की और कुछ वैरायटी 150 रुपए की। डबल डिलाइट के साथ में कंडीशन है, 15 प्लांट के बाद में मिलेगा। अच्छा डबल डिलाइट जो है अगर आप लेना चाहेंगे तो 14 प्लांट के बाद में 15, जब 15 प्लांट का नंबर आएगा तब डबल डिलाइट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये आपने इनकी कंडीशन थी आप सुन सकते हैं। मिनिमम 5 पेड़ बुक करते हैं, इससे कम नहीं करेंगे। ये जो प्लांट में लगे हुए हैं ये इस बार जाएंगे ना? हाँ ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे जब तक, तो आप जो है लेने की अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से तो ये तब तक तो काफ़ी हेल्दी और मेच्योर प्लांट मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से देखें, इसकी कोडेक भी काफ़ी मोटी है, और प्लांट भी देखें इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है। और जब अब तक इसकी ये हेल्दी होने की वजह ये है ना कि इसका रूट स्टॉक जो है 1 साल पुराना है। अच्छा हाँ, तभी तो हम कहते हैं कि 18 महीने पुराने हम पौधे देते हैं। अब इसका रूट स्टॉक 1 साल पुराना है, और ये चीज़ अभी हम आपको दूसरे प्लाट में ले चल के दिखाएंगे, जो जिसको हमने अगले साल बडिंग करनी है वो प्लांट्स हमने रूट स्टॉक अभी पूरा प्लाट तैयार कर दिया है। बहुत बढ़िया,
वो प्लाट हमने तैयार, ये प्लाट पिछले साल हमने रूट स्टॉक का लगाया था जिसमें हमने इस साल बडिंग करी है। ये हमारा पौधा 18 महीने पुराने इस तरीके से हो जाते हैं। हाँ ये तो है, खैर 18 महीने इस तरीके से हो जाते हैं आपके। एक साल आप जो अभी इन्होंने लगाई है रूट स्टॉक, अगले साल तैयार करेंगे वो जो है। अगर नया रूट स्टॉक होगा तो इतने हेल्दी पौधे अभी नहीं हो पाएंगे तैयार, नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो पुराना रूट स्टॉक है इसलिए तैयार हो रहे हैं हेल्दी। सही कहा आपने। अभी ये रजनी परफ्यूम है, अभी ये दो क्यारी में रजनी परफ्यूम लगा हुआ है तो इसलिए, और इसके साथ में एक वैरायटी ऑरेंज लगी हुई है, ऑरेंज स्प्लैश। ये दो वैरायटी, कौन सी वाली? ये पीला वाला। अच्छा ये जो हाँ, ये रजनी परफ्यूम। हाँ ये रजनी परफ्यूम है तो इसके हाइट ज्यादा होती है तो इसलिए सब पौधे ज्यादा हाइट के हैं। हाँ इसके हाइट भी काफी अच्छी। अब इसमें ऑरेंज स्प्लैश है, आप माने तो ये ऑरेंज स्प्लैश है। साहब खड़े हुए इनके कमर के बराबर, हाँ करीब 2.5-3 फीट का हो गया, लगभग 2.5-3 फीट का। अभी ऑरेंज स्प्लैश है, इसकी भी हाइट ज्यादा होती है, ये भी 2.5-3 फीट का है। अब इसी क्यारी में ये डबल बड लगाई है, ये है हमारा वो रंधावा। अच्छा, अब इसकी हाइट छोटी होती है। इसकी अब आप कहोगे साहब ये पौधे को हम इतना बड़ा करके दे दें तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाएगा। ये नहीं कर सकता, और ये तो आपके घर में भी नहीं होगा। हाँ ये बात सही है। मेरे जो पौधे मैं आपको छोटे भेजूंगा तो वो आपके घर में भी छोटे ही रहेंगे, वो कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। जो पौधे बड़े हेल्दी भेजूंगा तो वो बड़े ही चलेंगे। हाथी हाथी रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, उसको कोई नहीं चेंज नहीं कर सकता, करेक्टर आप नहीं चेंज कर सकता। तो ठीक है यार, चलिए। तो वो जो हम इनसे जो है अब अगली बार जब आपसे मिलेंगे दोबारा से वीडियो इनका एक जल्द से जल्द विजिट कराएंगे दूसरी वाले प्लॉट का। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया, यहाँ पर ये जो आपको इन्होंने जो समझाया आप समझने की कोशिश करें। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं प्री बुकिंग 15 अप्रैल से प्री बुकिंग यानी कि जनवरी मार्च अप्रैल 15 अप्रैल यानी 15 दिन के बाद। हाँ 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद से यहाँ पर प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ पर प्री बुकिंग कर सकते हैं और प्री बुकिंग कर करके अपने जो भी ऑर्डर हैं आप नोट करा सकते हैं। चाहे आप टोटल अमाउंट का कितना परसेंट भी दे दें, 50% से हम लोग बुकिंग करते हैं। 50% से ये बुकिंग होती है यहाँ पर, आप 50% से बुकिंग आप करा सकते हैं। अगर आपके मनपसंद यहाँ पर कोई रोज प्लांट है तो आप 50% पैसे पे कर करके और इन्हें जो है नाम लिखवा दें, आपको वही प्लाट मिलेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है जी, नमस्कार।